नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कुकिंग विद शिवांजलि। आज हम देखेंगे इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। कोरोना का ये दौर चल रहा है तो उसमें ये काढ़ा बहुत हेल्दी और बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको आप गरम गरम सुबह शाम ले सकते हैं और ये बच्चे बूढ़े सभी को चल जाता है। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैंने यहाँ काढ़ा बनाने के लिए नमक लिया है, हल्दी ली है 1 चम्मच, 7 से 8 लवंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और सूंठ लिया है, तेज़पत्ता लिया है 1, पुदीने के पत्ते हैं और 8-9 काली मिरी है। अब हम जो भी ड्राई मसाले हैं उसको हम कूटेंगे। पहले आप खलबत्ते में भी कूट सकते हैं। आपके पास तुलसी पत्ते हैं तो आप तुलसी पत्ते भी ले सकते हैं। पहले हम सब मसाले को अच्छे से कूटेंगे। इसको ज़्यादा बारीक पूड़ नहीं बनानी है, रफली ही कूटना है ताकि वो पानी में जब हम उबालेंगे तो अच्छे से उसका अर्क पानी में उतर जाए। आपके पास सूंठ नहीं है, ड्राई जिंजर नहीं है तो आप अदरक भी ले सकते हैं, या फिर सूंठ पाउडर आती है जिंजर पाउडर, वो भी आप ले सकते हैं। 1 चम्मच आप ले सकते हैं 3 से 4 कप के लिए। मैंने यहाँ ब्लैक नमक लिया है, सेंधा नमक। आपके पास अगर सेंधा नमक नहीं है तो आप टेस्ट के लिए रेगुलर नमक भी यूज़ कर सकते हैं बस। और तेज़पत्ता मैं हाथों से ही टुकड़े कर रही हूँ और पुदीना भी हाथों से थोड़ा क्रश कर रही हूँ। यह सब हम अब कूटा हुआ मसाले पूरे पानी में डालेंगे। मैंने यहाँ 3 कप इतना पानी लिया है और उसमें ये सब मसाले डालेंगे और इसको इसमें हल्दी और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसको हम गैस पे रखेंगे, 5 मिनट फुल गैस पे इसको उबाल लेंगे। ये 1-2 उबाल आएंगी पाँच मिनट के बाद। अच्छे से उबाल आने के बाद हम इसको धीमी गैस पे रखेंगे और इसको 5 मिनट फिर से ढक के अच्छे से उबाल लेंगे ताकि पूरा मसाले का जो अर्क है वो पूरा पानी में उतर जाए। इस काढ़े को आप रात को सोने से पहले गरम गरम ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं या शाम की चाय के टाइम भी काढ़ा ले सकते हैं। और ये काढ़ा बड़े बच्चे सब में चल जाता है। 5 मिनट के बाद उबाल आने के बाद फिर से 5 मिनट ढक के रख देते हैं और फिर उसको गरम गरम ही सर्व करना है। आपने तुलसी पत्र डाला है तो ये ड्रॉप डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तुलसी अर्क है तो मैं वो 2 बूंद डाल रही हूँ। 1 कप के लिए 2 बूंद तुलसी अर्क आप डाल सकते हैं। तो ये हमारा गरम गरम काढ़ा रेडी है। तो आप लोग भी रोज़ लेना और ये बहुत हेल्दी है और बहुत इफ़ेक्टिव है। सर्दी खांसी में भी ये चलेगी, बुखार के लिए भी बहुत हेल्दी है। तो आप ट्राई करना, कमेंट में बताना कैसे हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर में रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।